बशर्ते तुम्हारे बाप की जायदाद है क्या, दूसरी नहीं खोने देंगे, वीडियो शेयर कर बोले ओवैसी। बड़ा हादसा, नवी मुंबई में गिरा ब्रिज, घटना में दो लोगों की मौत से हड़का। मुंबई में फिर फायरिंग, डिंडोशी में नशे की हालत में युवकों ने की 5 से 6 राउंड फायरिंग। मराठा समुदाय ने मनोज जरांगे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, नागपुर में प्रदर्शनकारियों ने फूका जरांगे का पुतला। 6 महीने पहले गुमनाम थे जरांगे पाटिल, अब बन गए हैं शरद पवार के पिता, प्रकाश अंबेडकर का हमला। महाराष्ट्र कांग्रेस में फिर बड़ा भूचाल, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बसवराज पाटिल ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में होंगे शामिल। 1 साल में 62% बढ़ी मुस्लिम विरोधी हेट स्पीच, 75% घटनाएं बीजेपी शासित सूबों से, इंडिया हेट लैब रिपोर्ट में दावा। उनकी गजलें सीधा आत्मा से बात करती थी, पीएम मोदी ने पंकज उधास के निधन पर शोक व्यक्त किया। 21वीं सदी के भारत ने छोटा सोचना छोड़ दिया, दुनिया भी साथ चलने में देख रही फायदा, बोले पीएम नरेंद्र मोदी। पेटीएम के कर्मचारी ने किया आत्महत्या, कंपनी की हालत को लेकर टेंशन में था, सक्षेंदौर की घटना। अक्षय टाइगर को देखने पहुंची भीड़, हुई बेकाबू, किया पथराव, लखनऊ में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बोरीवली में 3 बाइक चोर गिरफ्तार, 10 मोटरसाइकिल बरामद। मराठा आरक्षण एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पर FIR, विरोध प्रदर्शन को लेकर हुई कार्रवाई। 17 दिन बाद मनोज जरांगे ने तोड़ा अपना अनशन, इलाज के बाद आगे की दिशा तय करेंगे। नायगांव रेलवे ब्रिज के पास कार में लगी भीषण आग, मुंबई जा रही थी गाड़ी, जलकर खाक। मेरे रहते राज ठाकरे की क्या जरूरत, MNS को महागठबंधन में लेने को लेकर रामदास अठावले का बड़ा बयान। मीरा रोड में टी राजा सिंह की रैली के बाद बीजेपी पर ओवैसी का बड़ा हमला, कहा इस्लाम में सुधार नहीं, हिंदुत्व लागू करना चाहती है भाजपा। पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन पद से विजय शेखर शर्मा का इस्तीफा, बोर्ड सदस्यता भी छोड़ ली। मलन सबवे के वाणिज्य केंद्र में भीषण आग, 37 लोगों को बचाया गया, किसी के घायल होने की सूचना नहीं। मुंबई में आज सोने के दामों में हुई गिरावट, सोना 62,840 रुपये तोला।